इंडिया तो पहले पार्टी का नाम रहना नहीं चाहिए था, ये जो नहीं रहना चाहिए था। एनडीए को हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्यों? देखिए, इंडिया जो है हमारे देश का नाम है। मोदी जी ऐसा लीडर अभी पूरे भारत देश में नहीं है। इंडिया या एनडीए? एनडीए। एनडीए सीआर का नाम अगर बाघ रख दीजिए तो बाघ दहीन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ अदिति, आप देख रहे हैं वेब समाचार। चलिए, बस आज हम यही जानने निकले हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया किसको सपोर्ट करेगी हमारी जनता, किसको सपोर्ट कीजिएगा? हम तो एनडीए को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी हमको अच्छा लगता है। इंडिया इंडिया को भी तो मौका देना चाहिए। नहीं, इंडिया तो पहले पार्टी का नाम रहना नहीं चाहिए था, ये जो नहीं रहना चाहिए था। नहीं रहना चाहिए इंडिया। क्यों? क्योंकि एक इंडिया जो है हमारा देश का सम्मान की बात है, उसे पार्टी का नाम इंडिया पे रख दिया, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसको सपोर्ट कीजिएगा, इंडिया या एनडीए? एनडीए को हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्यों? देखिए, इंडिया जो है हमारे देश का नाम है, मगर आज कुछ पार्टी जो है एक मिलकर अपना मतलब नाम इंडिया धर लिया है। तो इंडिया नाम धरने से थोड़े है, इंडिया एक मतलब भारत देश का नाम है। इंग्लिश वर्ड जो है भारत देश का नाम है इंडिया, तो इंडिया एक मतलब हम लोग के गर्व की बात होती है। और एक कुछ पार्टी लोग मिल के नाम अगर धर लेते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया तो बहुत सम्मान की बात होती है, इंडिया सब लोग मतलब नाम थोड़े धर लेगा, ऐसा थोड़े है। एनडीए में ऐसा क्या है जो आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, एनडीए जो है हम लोग को मतलब पार्टी जो है बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे देश धर्म हिंदू जाति के लिए सनातन धर्म के लिए काम करता है, मंदिर के लिए काम करती है, इसलिए हम लोग को बीजेपी एनडीए ज़्यादा अच्छा है, पसंद करते हैं। आप किसको सपोर्ट करेंगे, इंडिया या एनडीए? हम तो इंडिया के सपोर्ट करेंगे। क्यों? नेता लोग के सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो 26 उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हुआ तो उसको देखेंगे, ये सब तो खाली पैसा लूटे पर है। आप किसको सपोर्ट कीजिएगा, इंडिया या एनडीए? हम तो एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? उसका बहुत सारे रीजन है। हमारे जैसे अभी उसका मेन जो करता धरता है मोदी जी, हम मोदी जी ऐसा लीडर अभी पूरे भारत देश में नहीं है। मोदी जी ने राम मंदिर का नींव रखवाया। मोदी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे मणिपुर पे, मणिपुर घटना पर। हाँ, ये देखा जा रहा है, लेकिन एक्शन लिया जा रहा है। अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं गया है। नहीं, 6 पकड़ा गया और कुछ पकड़े जाएंगे, उस पर लगा हुआ है, सरकार पूरी लगी हुई है कि उनको जल्दी जल्द, किसी को छोड़ा नहीं। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ उनकी गलती है, इसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि किसी महिला के साथ अत्याचार होगा तो पूरा भारत देश उसके साथ खड़ा है। ये देश में सबसे ज़्यादा, ये इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी का इज्जत है तो वो महिला का इज्जत होना चाहिए। और आप एनडीए को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? एनडीए का और सब पार्टी से अपना कुछ पर्सनल होता है कि मन भी मिलना चाहिए। आपकी पसंद है? हाँ, मेरी पसंद है, मेरा ये चॉइस है कि मैं उन्हीं को वोट दूँ, उनके बहुत सारे काम को मुझे। और इंडिया को एक मौका देने से शायद वो कुछ अच्छा करे। क्या नाम बदल देने से, अब सीआर का नाम अगर बाघ रख दीजिए तो बाघ दहीन हो जाएगा, सीआर ही रहेगा। नाम बदल देने से क्या होता है? क्या नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। क्या पता इस बार कुछ करिश्मा कर जाए। नहीं, हम लोग तो देख चुके हैं उनका सरकार, नहीं होगा। आपको भी उम्मीद है कि कुछ नहीं करेंगे वो लोग? इंडिया जो पार्टी जो बना है वो कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेगा। हमारे बिहार में तो नहीं कुछ कर रहे हैं, और भी कहीं कहीं नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस राज्य में उनके पार्टी का हो कुछ कर रहे होंगे, उनको अच्छा लगता है। मगर देखिए, एक और बात है, असम की बात हो रही है मणिपुर में, जहाँ पर आप या कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी को विरोध करते हैं, तो ये एक राज्य में मतलब की घटना है, और ये मोदी और वहाँ के सरकार नहीं कराती है, ये मतलब हर राज्य में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा इसलिए मोदी जी पे सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि वो 2 महीना पहले का केस है और FIR दर्ज करवाया गया, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो उनका राज्य है। तो मोदी जी का राज्य थोड़े है, मोदी जी वहाँ पर थोड़े बैठते हैं, ऐसा थोड़े, वहाँ प्रशासन का ना गलती है, प्रशासन ने इसको चाहिए। अब मान के चलिए कहीं भी कुछ होता है तो मोदी जी उसको आके थोड़े देखेंगे, चाहे कोई राज्य का CM थोड़े जाके देखेगा, वहाँ प्रशासन है, प्रशासन किस लिए रहता है, प्रशासन का काम है उसको देखना। आज 2 दिन पहले हमारे बिहार में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तो क्या उनके सरकार वहाँ जो सरकार वो कराती है? ऐसा नहीं है, वहाँ के जो पब्लिक जो मतलब वहाँ के जो व्यक्ति है वो गलत करते हैं, उनको प्रशासन का काम है, प्रशासन उनको रोके, प्रशासन उस पर FIR करे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार हो, वो सरकार का गलती नहीं है, सरकार ऐसा कुछ नहीं कराती, इसीलिए
कोई भी व्यक्ति सरकार के दोष ना दें, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया हो, कोई भी पार्टी हो, उसको सरकार के दोष मत दीजिए। वो जो व्यक्ति किया है वो प्रशासन का गलत है, प्रशासन वहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा, प्रशासन के विरोध कीजिए, प्रशासन को आप कहिए, प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। आपके हिसाब से प्रशासन गलत है? हाँ, प्रशासन गलत है, क्योंकि कहीं भी कुछ क्राइम होता है तो उसको प्रशासन को ना रोकना है, सरकार थोड़े आगे रोकेगी। आज यहाँ पर या कहीं भी कुछ होता है तो सरकार को दोष थोड़े देंगे हम लोग, सरकार कहाँ कहाँ देखेगी, इतना बड़ा राज्य होता है तो एक सरकार वहाँ थोड़े हर जगह जाएगी। प्रशासन का काम है, आप हर जगह डीएम, सीएम, एसपी, डीएसपी, ये सब क्यों बनाया जाता है? जब अगर सीएम ही अगर हर काम कर रहे हैं तो एसपी डीएसपी क्यों बनाया जाता है? उनका कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कौन पसंद है, एनडीए या इंडिया? इंडिया। इंडिया क्यों? इंडिया जब सब चोर सा बैठे हुए हैं। बस नाम से कहीं इंडिया, ऐसा तो नहीं कि नाम से बस इंडिया पसंद है? नहीं नहीं, इंडिया अच्छा है, लेकिन तब उसमें चोर लोग हैं, उसको गेम कर रहे हैं, अब क्या कीजिएगा। तो उसमें चोर लोग हैं और एनडीए में कोई नहीं है? एनडीए में बीजेपी है हमारे, जो सनातन धर्म पे कर रहे हैं। तो आप उनके सपोर्ट में? सपोर्ट। और मणिपुर मैटर में आप देख रहे होंगे कुछ दिन से न्यूज़ पे, आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, इंडियन आर्मी और वहाँ की मणिपुर की पुलिस में तालमेल अच्छा से नहीं बैठ रही है। वो लोग इंडियन आर्मी को बहुत गजब तरीका से ढकेल उकेल के निकाल रहे हैं, जैसे कोई उसमें तालमेल बैठ ही नहीं रहा वहाँ पे। इस चीज़ को और फिर वहाँ की जनता है, आप देख रहे हैं सेना के साथ बहुत खराब कर रही है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, और कहाँ से मणिपुर में शांति तो जल्दी आप खोज रहे हैं? इंडिया या एनडीए? एनडीए। एनडीए क्यों? क्योंकि इंडिया में इंडिया नाम रख के कुछ लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात उसमें चोर बैठ, अभी वोट करेंगे एनडीए को करेंगे और किसी को नहीं। कभी वोट नहीं दीजिए? कभी नहीं। आप किसको सपोर्ट करते हैं, इंडिया या एनडीए? तो एनडीए को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एनडीए, एनडीए है कि कुछ हर पार्टी गलत, हर पार्टी सही है, लेकिन लोगों को साफ साफ दिखता है कि कौन कितना गलत है और कौन कितना सही है, किसके राज्य में क्या काम हुआ और किसके राज्य में क्या काम नहीं हुआ। ऐसा कौन सा काम है जो एनडीए का आपको बहुत पसंद है? हर एक काम, आप यूपी को देख लीजिए कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या था और अभी यूपी अभी क्या है, आप खुद आपके आँख के सामने आप खुद देख लीजिए, और बिहार क्या था और क्या है, और जब बीजेपी थी तो क्या था और अभी नहीं है तो क्या है, आपके से जो भी चीज़ें सब तो आपके आँख के सामने ही है, ऐसा कुछ बताने लायक तो है नहीं। आप यूपी देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और एक बिहार को अभी देख लीजिए, जो भी है सब तो आपके आँख के सामने ही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।